हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विजय। गाइस, पोको जो है एक अलग ब्रांड बन चुका है शॉमी से, लेकिन जो है अभी भी शॉमी के प्रोडक्ट को जो है रीब्रांड करना नहीं भूलेगा, क्योंकि हमने जो है सभी फोन देखे हैं, पोको जो है अभी तक भी जो है शॉमी के फोन को रीब्रांड करता है। सिर्फ दो फोन के अलावा पोको F1 जो है रीब्रांड नहीं किया था, पोको X3 जो है कुछ डिफरेंट है, मतलब हटके है शॉमी से। लेकिन अब जो है फाइनली फ्लिपकार्ट पे अनाउंस हो गया है कि पोको की एक नई सीरीज आने वाली है, जो कि है C सीरीज। अब उसमें लॉन्च होगा C3। अब C1 C2 कहां गया वो पता नहीं, लेकिन पोको जो है C3 इंडिया में 6 अक्टूबर को लॉन्च करने वाला है। गाइज, यहां पर ज्यादा इंफॉर्मेशन तो नहीं दी है, लेकिन उन्होंने बताया है कि जो पोको की जो सी सीरीज होगी, मतलब जो पोको का C3 फोन होगा, वो बिल्कुल गेम चेंजर फोन होगा। और अब जो पोको की सी सीरीज होने वाली है, वो 10,000 के अंडर प्राइस में आने वाली है, मतलब जो है वो 10,000 से ऊपर नहीं जाएगी। अब C1 C2 C4 C कहां गए वो पता नहीं, लेकिन डायरेक्टली जो है C3 लॉन्च करने वाले है। अब बात करते हैं वो किसका रीब्रांड होगा, वो शाओमी के फोन का रीब्रांड होगा, जो कि रेडमी 9 है। गाइज, क्योंकि यहां पे दिखाया गया है, यहां पे डिस्प्ले दिखाने के बाद में वो एक इमेज कैप्चर कर रहा है, इमेज में लिखा हुआ है 13 मेगापिक्सल का कैमरा। गाइज, कोई रूमर नहीं थे, कोई लीक नहीं थे, डायरेक्टली उन्होंने वहां पे जो है अनाउंस कर दिया कि 6 अक्टूबर को हम जो है पोको C3 इंडिया में लॉन्च करने वाले हैं। तो यहां पे डेफिनेटली जो है पोको M2 जैसा काम करने वाले हैं, जैसे कि पोको M2 जो है रीब्रांड वर्जन था, उसी तरीके से जो है रेडमी 9 जो कि यहां पे इंडिया में लॉन्च हुआ है, उसको जो है रीब्रांड करने वाले हैं। यहां पे साफ साफ हाईलाइट किया है, जो कि है 13 मेगापिक्सल उन्होंने अनाउंस किया है। और वहां पे जाओगे पैल एस पे, तो वहां पे लिखा हुआ है ड्यूअल कैमरा, ट्रिपल कैमरा, सिंगल कैमरा, जो सबसे हायर वेरिएंट होता है ना, मतलब जो भी कंपनी लीक करती है, अनाउंस करती है, सबसे हायर वाला ऑप्शन जो होता है ना, वही होता है, जो कि है 13 मेगापिक्सल छता में ट्रिपल कैमरा। अब ट्रिपल कैमरा कैसे सेटअप बनेगा, जो कि हमने रेडमी 9 का देखा है, 13 MP का मेन कैमरा एंड 2 MP का मैक्रो लेंस एंड 2 MP का ढक को कवर करने के लिए। गाइस, बात करते हैं फ्रंट डिजाइन की, तो वही आपको जो है वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आपको जो है IPS स्क्रीन देखने को मिलेगा, जो कि होगा 5 MP के साथ में फ्रंट कैमरा, एंड यहां पर जो रेजोल्यूशन होगा वो होगा 720 पिक्सल के साथ पे। गाइस, यहां पर अच्छी बात यह है कि आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाएगी, एंड वेरियंट हो सकता है कि पोको जो है डिफरेंट वेरियंट लॉन्च करे, उसके कंपेरिजन में हो सकता है कि 4 GB रैम वाला वेरियंट जो है उसके कम प्राइस में लॉन्च कर दे। और बात करते हैं इसके अलावा और स्पेसिफिकेशन की, तो यहां Android 10.0 सपोर्ट मिलेगा पोको लॉन्चर के साथ में, मतलब आपको जो है MIUI 12 ही वर्जन मिलेगा, लेकिन पोको लॉन्चर मिलेगा। जहां पे आपको इंटरफेस की बात करते हैं, तो पोको के सभी फोन का एक जैसा होता है। और इसके अलावा जो है परफॉर्मेंस की बात करते हैं, तो गाइस वही चिपसेट आपको जो है देखने को मिल जाएगा, जो कि है Helio G35 के साथ में। गाइस, बैक डिजाइन की बात करते हैं, तो वही डिजाइन आपको जो है देखने को मिलेगा, मतलब कॉर्नर पे जो है 4 कैमरे जैसे डिजाइन है, लेकिन उसमें एक फ्लैशलाइट है, 3 कैमरा है। पोको की ब्रांडिंग आपको जो है रेडमी की जगह पोको की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। कलर वाइज में हो सकता है कि कुछ चेंजेस कर, लेकिन यार यहां पे ऐसा नहीं चलेगा, पोको जो है बार बार रीब्रांड करता हुआ जा रहा है शाओमी के प्रोडक्ट को। तो गाइस, आपका क्या मानना है Helio G35, अगर जो है लगभग 7-8 हजार रुपए के प्राइस में जो है 4 GB रैम वाला वेरिएंट आ जाता है, तो आपको जो है कैसा लगेगा, क्या आपको जो है एक अच्छा प्रोडक्ट लगेगा, मतलब रीब्रांड किया हुआ, मतलब पोको के अंदर 4 GB रैम के साथ में सस्ता प्रोडक्ट आ रहा है, तो आप बताओ कि आपको कैसा लगेगा, कैसा फील होगा, आप कमेंट करके जरूर से बताना। तो बस यार, ये था आज की वीडियो में, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया, जरूर से वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, कमेंट करके बताना कि आपका क्या मानना है पोको C3 के बारे में, क्या आप इंटरेस्टेड हो या फिर जो है नहीं हो, आप कमेंट करके जरूर से बता सकते हो। सब्सक्राइब नहीं किया तक हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट देखने को मिलते रहेंगे। इतना ही था आज के वीडियो में, वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, मिलते हैं ऐसे किसी अगले वीडियो में।